परशुराम त्रेता युग के एक ब्राह्मण थे। परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार भी कहा जाता है। पौराणिक वृतांतों के अनुसार उनका जन्म भृगु श्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अनंतर राम जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्न्य और शिवजी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए रहने के कारण वे परशुराम कहलाए। आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक के आश्रम में प्राप्त होने के साथ ही महर्षि ऋचिक से सारंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष और ब्रह्म ऋषि कश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ। तदनंतर कैलाश गिरिशृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्युदभि नामक परशु प्राप्त किया। शिवजी से उन्हें श्री कृष्ण का त्रैलोक्य विजय कवच स्तवराज स्त्रोत एवं मंत्र कल्प तरु भी प्राप्त हुए। चक्र तीर्थ में किए कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता में राम अवतार होने पर तेजोरोहण के उपरांत कल्पांत पर्यंत तपस्या रत भूलोक पर रहने का वर दिया। परशुराम का उल्लेख रामायण महाभारत भागवत पुराण और कल्कि पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में किया गया है। वे अहंकारी और दुष्ट क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार करने के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश ग्राम उन्हीं के द्वारा बसाए गए, जिनमें कोंकण गोवा एवं केरल का समावेश है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरल तक समुद्र को पीछे धकेलते हुए नई भूमि का निर्माण किया और इसी कारण कोंकण गोवा और केरला में भगवान परशुराम वंदनीय हैं। परशुराम ने सैन्य शिक्षा केवल ब्राह्मणों को दी, लेकिन इसके अपवाद भीष्म और कर्ण हैं। कर्ण को यह ज्ञात नहीं था कि वह जन्म से क्षत्रिय है। वह सदैव स्वयं को शूद्र समझता रहा, लेकिन उसका सामर्थ्य छुपा नहीं रहा। उसने यह बात परशुराम को नहीं बताई। परशुराम को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब उन्हें उनका सिखाया हुआ सारा ज्ञान उनके किसी काम का नहीं आएगा, जब उसे उसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी। परशुराम के श्राप के कारण ही कर्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के हाथों मारा गया, क्योंकि उस समय कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान ध्यान में नहीं रहा। वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार परशुराम का पूजन किया और परशुराम ने रामचंद्र की परिक्रमा कर आश्रम की ओर प्रस्थान किया। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। तो ये थी रामायण काल के ब्राह्मण परशुराम के विषय में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी ही अनेक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।